नमस्कार दोस्तों, देखिए उत्तर प्रदेश में एक और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है और सोमवार 11 जनवरी से उत्तर प्रदेश में 12 विधान परिषद की सीटों का जो चुनाव होने जा रहा है उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। चुनाव 28 जनवरी को है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि जो समीकरण है, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में विधायकों की जो स्थिति है, स्ट्रेंथ है, आपको पता ही होगा कि सारा कुछ इसमें जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, एमएलसी चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कुछ कुछ राज्यसभा चुनाव से मिलती जुलती होती है और इसी वजह से यहाँ पर ये माना जा रहा है कि स्ट्रेंथ के हिसाब से बीजेपी इन 12 में से 10 सीटें आसानी से जीत लेगी और सपा एक सीट अपनी जीत सकती है विधायकों की स्ट्रेंथ के हिसाब से, जबकि कांग्रेस और बसपा को सीट जीतने का कोई चांस बनता हुआ नज़र नहीं आता। अब स्थिति ये बन रही है कि जो 12वीं सीट है वो किसके हिस्से में जाएगी। सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी इसके लिए दूसरे दलों का सहयोग ले सकती है या बाकी जो गैर भाजपा दल हैं आपस में टाई अप करके सीट को हथिया सकते हैं, लेकिन बीजेपी भी इस सीट को हासिल करने का पूरा पूरा प्रयास करेगी और यही वजह है कि समीकरण यहाँ कुछ अजीबोगरीब बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अगर बात करूँ तो विधानसभा में बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है अपना दल, अगर उसके विधायकों को भी एक जगह मिला दिया जाए तो बीजेपी के टोटल 319 विधायक हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के 48 सदस्य हैं और बसपा के 18 सदस्य हैं। इनमें से कुछ ने पिछली बार, आपको याद होगा कि जब नवंबर महीने में राज्यसभा का चुनाव हुआ था यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो उसमें बसपाई बागी हो गए थे और बसपा ने अपने नेताओं को कारण बताओ नोटिस तक जारी किए थे। और तभी से जो रामवीर उपाध्याय इतने बड़े नेता रहे हैं, मायावती के बड़े करीबी रहे हैं, वो तो तब से अब तक निलंबित ही चल रहे हैं। और इस लिहाज से बसपा के जो पार्टी के सदस्य हैं उनकी संख्या 10 के करीब मानी जा रही है और कांग्रेस के पास 7 विधायक हैं, उनमें से भी 2 बागी हैं, जैसे कि रायबरेली से अदिति सिंह, वो बागी चल रही हैं और इसके चलते लगभग 5 विधायक ही कांग्रेस के बच जाते हैं। तो फिलहाल स्थिति ये है कि एक एमएलसी की सीट को जीतने के लिए किसी भी दल के पास 32 वोट होने जरूरी हैं, यानी कि 32 विधायक। और इस तरीके से 309 विधायकों की अगर बात करूं तो इस हिसाब से बीजेपी आसानी से 9 सदस्यों को भेज सकती है विधान परिषद में। और इसके बाद भी बीजेपी के पास 21 वोट प्रथम वरीयता के आधार पर बचेंगे। तो इस तरीके से बीजेपी अपने सहयोगी अपना दल के 9 विधायकों को अपने साथ जोड़कर 10वीं सीट पर भी आसानी से जीत दर्ज कर लेगी। समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो उसके पास 48 विधायक हैं और उसे इस तरह से एक सीट तो पक्का मिलेगी 32। बाकी जो 16 विधायक उनके बचेंगे तो उसके हिसाब से देखना होगा कि वो दूसरी सीट जीतने के लिए बसपा, कांग्रेस या किसी और अन्य दलों से सहयोग करते हैं या नहीं। और सपा के जो 6 सदस्य हैं उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, यानी कि ये 6 एमएलसी बसपा के खाते से कम हो जाएंगे और निश्चित रूप से ये बीजेपी के खाते में जुड़ जाएंगे क्योंकि अब बसपा के पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है। और जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है बसपा के, वो हैं अहमद हसन, आशु मलिक, रमेश यादव, राम जाटान राजभर, वीरेंद्र सिंह और साहब सिंह सैनी, इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और इनमें से बस वो एक सीट जीत सकती है। अब देखने वाली बात है कि बसपा समाजवादी पार्टी इनमें से किसको लेती है या किसी और नए सदस्य को विधान परिषद में भेजती है। इसके अलावा बीजेपी बसपा के साथ समझौता हो सकता है और जो 11वीं सीट है ये दोनों मिलकर जीत सकते हैं। और बसपा की जो अध्यक्ष हैं मायावती, वो पहले ही कह चुकी हैं राज्यसभा के जब चुनाव हुआ था अखिलेश यादव ने एक प्रत्याशी अपना उतार दिया था और उसके बाद से समीकरण वहाँ पर गड़बड़ाने लगे थे, तो उसी समय से मायावती बहुत अलर्ट हैं और उन्होंने कहा है कि अगर एमएलसी चुनाव में हमें
समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी का सहयोग भी करना पड़ा तो हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर बसपा ने बीजेपी का सहयोग करा तो ये सीट 11वीं सीट उनके खाते में जा सकती है। लेकिन खाली बसपा के समर्थन से ही बात नहीं बनेगी, और कांग्रेस के जो दो बागी विधायक हैं वो भी बीजेपी के खाते में आ सकते हैं। इसके अलावा जनसत्ता पार्टी के प्रमुख हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, ये भी बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। और इस तरीके से बीजेपी 11वीं सीट को जीतने के लिए थोड़ा सा जुगाड़बाजी करके दांव भिड़ा सकती है। तो फिलहाल स्थिति यही बनती जा रही है कि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में, उससे पहले सपा चाहेगी कि हम ये मैसेज दें कि हम मेन पार्टी हैं यहाँ पर और हमारी ताकत सबसे ज़्यादा है, हम सबसे स्ट्रांग हैं। इसके अलावा जो सारी प्रक्रिया है, जो नामांकन की प्रक्रिया है, वो 18 जनवरी तक जारी रहेगी और 28 जनवरी को मतदान होगा। और यहाँ पर जो नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है वो 21 जनवरी है। यानी कि अभी मुझे लगता है कि इस मसले पर हमें एक आध वीडियो और बनानी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर जो सीटें खाली हो रही हैं उनकी मैं बात करूं, तो जो सीटें खाली हो रही हैं 12 में से, उनमें से 5 समाजवादी पार्टी की हैं, 4 बीजेपी की हैं और 2 बहुजन समाज पार्टी की है। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी वाली सीट तो पहले से ही खाली चल रही है, क्योंकि उनकी बसपा से वो सदन में गए थे लेकिन कांग्रेस में शामिल हो गए और दल बदल कानून लागू हुआ था और उसकी वजह से उनकी विधान परिषद की सदस्यता खत्म हो गई थी। बीजेपी के खाते से अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, लक्ष्मण आचार्य, इन लोगों का तो लग रहा है कि विधान परिषद में जाना पक्का है। लेकिन बाकी जो 8 लोग हैं वो कौन होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको काफ़ी कुछ लोगों की नज़र है कि बीजेपी किन लोगों को उच्च सदन में यहाँ पर भेजने जा रही है, विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में। और इन सब जिन लोगों को बीजेपी निश्चित रूप से यहाँ भेजेगी, उसके पीछे एक सोच ये भी रहेगी कि जातीय समीकरण को बैलेंस किया जाए। हो सकता है इनमें से एक आध किसी हो सकता है किसी मुस्लिम कैंडिडेट को भेजा जाए, एससी कैंडिडेट को भेजा जाए, ओबीसी कैंडिडेट को भेजा जाए, क्योंकि ये 1 साल के अंदर ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के खाते से सुनने में आ रहा है कि जो रमेश यादव हैं उनके अलावा अहमद हसन हैं, इनमें से किसी को उच्च सदन में समाजवादी पार्टी भेज सकती है। और मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है वे हैं स्वतंत्र देव सिंह, डॉक्टर दिनेश शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, सपा के अहमद हसन, साहब सिंह सैनी, आशु मलिक जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, राम जतन, वीरेंद्र सिंह और बहुजन समाज पार्टी के धर्मवीर सिंह अशोक, प्रदीप कुमार जाटव और नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिनका आपको पता ही है कि उनकी सीट खाली चल रही है। और विधान परिषद की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं, इनमें से 38 सदस्यों का विधानसभा सदस्य और 36 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकाय से होता है। यानी कि जो 38 सदस्य होते हैं उन्हें तो जो विधानसभा के विधायक हैं वो वोट करके बनाते हैं, और 36 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों से होता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा MLCs के इलेक्शन हुए थे, शिक्षक वाले, स्नातक वाले, स्थानीय निकाय वाले, उन कोटे के जो चुनाव के थ्रू होते हैं। तो इस तरीके से 10 विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं और उनका कार्यकाल, खास बात है, राज्यसभा की तरह 6 साल का होता है। तो फिलहाल स्थिति ये है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। 18 तारीख तक चलेगी ये प्रक्रिया। मुझे लगता है कि बीजेपी ने तलाश शुरू कर दी होगी किन्हें भेजा जाए। सबकी नज़र इसी बात पर है कि 12 सीटों में से 11 सीटें बीजेपी जीत पाएगी या नहीं, 10 तो उसकी पक्की हैं ही, 11वीं सीट को जीतने के लिए वो प्रयास करती है या नहीं, या फिर बसपा को समर्थन देती है या नहीं, इस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।